जून में उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कीरतपुर से नेरचौक फोरलेन का कार्य पहुंचा समाप्ति की ओर। चंडीगढ़ से मनाली का सफर हुआ सुखद, अब केवल 6 घंटे में पहुंचेंगे। NHAI ने 5 सुरंगें खोली। राजधानी चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली आदि क्षेत्रों से मनाली का सफर जल्द ही सुखद होने वाला है। कीरतपुर से मनाली तक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क पर सुरंग निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने परीक्षण के लिए 5 सुरंगें खोल दी हैं। इनके साथ चंडीगढ़ और मनाली के बीच यात्रा का समय घटकर 4 घंटे रह गया है। पहले इस दूरी को तय करने में करीब 10 घंटे लग जाते थे। बताया जा रहा है कि सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सिटी ब्यूटीफुल से मनाली तक का सफर महज 6 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि दिल्ली से मनाली पहुंचने में 14 घंटे का समय लगेगा। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले वाहनों के लिए स्वारघाट से आगे 4 लेन खोल दिया गया है, लेकिन टनल नंबर 1 कैंचीमोड़ मेहला अभी तक नहीं खुली है, इसलिए पर्यटक 4 लेन तक पहुंचने के लिए 2 वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। पहला रास्ता ज्योरीपत्तन जगह तक खाना से होकर स्वारघाट से महज 2 किलोमीटर आगे है। दूसरा वैकल्पिक मार्ग इससे थोड़ा आगे पंजपीरी होते हुए वाहनों को 4 लेन तक ले जाता है। यह विकल्प सिर्फ टनल नंबर 1 खुलने तक ही है। जून में कीरतपुर नेरचौक 4 लेन शुरू होने की है उम्मीद। पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम कीरतपुर नेरचौक मनाली 4 लेन के 3 चरणों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून महीने में कर सकते हैं। PMO ने 4 लेन के निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगी है, जिसे 15 जून 2023 तक खोले जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को कहा कि 15 जून के बाद इसे औपचारिक रूप से जनता के लिए खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब के कीरतपुर से हिमाचल प्रदेश के मनाली तक की दूरी करीब 38 किलोमीटर कम हो जाएगी। बहुत है। दोस्तों, आप देख सकते हो नेशनल हाईवे पे हम पहुंच चुके हैं। खुला धुला नेशनल हाईवे। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि अब यहाँ से पिछला सफ़र कितना रहा और यहाँ से अब हमारा सफ़र जो है मारवी तक और उससे आगे कितने किलोमीटर का रहेगा। बिलासपुर सिर्फ 22 किलोमीटर। अगर आप स्वारघाट होकर जाते हैं तो आपको बता दें कि बिलासपुर जो है उसके डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर होगा और यहां से 22 किलोमीटर सिर्फ आधी दूरी बिलासपुर की रह गई है। आगे हम आपको एक टनल जो है वहां भी पहुंच रहे हैं। टनल में से होते हुए आगे जाएंगे। पर्यटकों के आने जाने के लिए आम जनमानस का जो सफर है वो भी कम होगा और आसानी से बहुत ही मज़ेदार सफर। कितना अच्छा टनल आप देख सकते हो। जब तक लाइव चलता है टनल में हो सकता है नेटवर्क की समस्या हो, लेकिन भारत सरकार की ओर से आम लोगों, पर्यटकों और हिमाचल में घूमने आने वालों के लिए बहुत ही मज़ेदार गिफ्ट बहुत ही सुंदर नजारा हिमाचल की बात। अभी साफ सुथरी हवा, ठंडी हवा और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच नेशनल हाईवे 4 लेन पर हम जाते हुए। सामने आप देख सकते हो बोट है मनाली, स्वारघाट का रास्ता और सामने थापना जो यहाँ का एक बहुत बड़ा गांव है। राम
स्थापना